I'm Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है वर्ब के बारे में और वर्ब का पार्ट थर्ड आज अपन करने वाले हैं। पार्ट वन और पार्ट टू अपन कर चुके हैं और उसमें अपन देख चुके हैं कि कैसे वर्ब को फाइंड आउट करते हैं और वो वर्ब को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया है। वर्ब या तो आईएनजी लेगी या फिर ईडी लेगी, दोनों से कुछ ना कुछ एक तो लेगी। अगर वर्ब का जो वर्ड है अगर वो आईएनजी और ईडी नहीं ले रहा है, या तो वो एडजेक्टिव है या फिर नाउन है या फिर एडवर्ब है, कुछ ना कुछ तो है वो। उसमें भी मैंने नाउन को कैसे फाइंड आउट करते वो मैंने बता दिया, एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करते वो भी मैंने बता दिया, है ना। वर्ब को देख रहे थे, वर्ब को अपन कैसे नाउन से वर्ब बन रही थी, कैसे एडजेक्टिव से वर्ब बन रही थी, वो सब अपन कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो आज पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अपना करेज। करेज यानी क्या होता है? साहस। साहस क्या है? यहाँ पे नाउन है। और मुझे कैसे पता चला? मैंने बताया था नाउन वाले वीडियो में, तुम्हारा तुम्हारे लगाओ इसके आगे, तुम्हारा साहस से बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसकी वर्ब क्या बनेगी? इनकरेज, साहस प्रदान करना। ठीक है, अगला वर्ड लाइफ, ये नाउन है। कैसे पता चला? तुम्हारा लगाया मैंने इसके आगे, तुम्हारी लाइफ, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और इसके अपन को वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाइव। ठीक है, लाइव। अगला वर्ड देखते हैं, रिलीफ, ये भी नाउन है। कैसे पता चला मुझे इसमें? अगर मैं, चलो ये मुझे नहीं पता कि नाउन है, मैं इसको जीरो से स्टार्ट करता हूँ, इसमें आईएनजी लग सकता है क्या? रिलीफिंग, रिलीव्ड, ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं होता, तो ये वर्ब तो नहीं है। अब इसके आगे मैं तुम्हारा तुम्हारे लगा के देख सकता हूँ कि नाउन है या नहीं है, तो मैंने तुम्हारा रिलीफ सही बनकर अपन बोलते हैं, या तुम्हारा रिलीफ, तुम्हें रिलीफ है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नाउन है ये। इसके वर्ब क्या बनाई जाएगी? रिलाइव, ये वर्ब हो जाएगी इसकी। स्मूथ, इसको अगर तुम्हारा तुम्हारे लगा के देखो, तुम्हारा स्मूथ, इसके साथ सही बैठ ही नहीं रहा है, नहीं बैठ रहा ना। अब इसको जैसे एडजेक्टिव की जैसे चेक करो, एडजेक्टिव कैसे चेक करना बताया था मैंने? तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, ऐसे करके बताया था ना। तो स्मूथ को लो, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम स्मूथ हो, है ना, ऐसे भी सही बैठ गया। और मैंने स्टिकर मेथड भी बताया था एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्मूथ केक, स्मूथ क्लोथ, स्मूथ शर्ट, हाँ, स्मूथ राइटिंग, है ना। क्या है? एडजेक्टिव जैसे काम कर रहा है ना, नाउन की विशेषता बता रहा है। स्मूथ कपड़ा, कपड़ा कैसा है? स्मूथ है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। इसकी वर्ब क्या बनेगी? स्मूथन, ये वर्ब बन जाएगी इसकी। क्लोथ, क्लोथ्स, क्लोथ है, ये तीनों ही अलग अलग है। क्लोथ सामग्री होती है और क्लोथ्स पहनावा होता है, और क्लोथ है धोना होता है। ठीक है, क्लोथ कौन सा होता है? सामग्री, जिसे अपन रेडीमेड कपड़े की जगह अपन कपड़ा सिलवाने जाते हैं ना, तो जो पूरा कपड़ा होता है जिसको अपन सिलवाते हैं वो तो होता है सामग्री, वो तो होता है क्लोथ। और क्लोथ्स कपड़े को सिलवाने के बाद जो अपन पहनते हैं वो होता है पहना, वो होते हैं क्लोथ्स। और जो क्लोथ होता है वो धोना, कपड़े को धोना। ठीक है, डिफरेंस आ गया इन दोनों में समझ में? जो दर्जी की दुकान पे जो कपड़ा मिलता है वो तो होता है क्लोथ, सामग्री होती है, उसका जो कपड़ा बन जाता है ना वो आ जाता है क्लोथ्स में, ईएस लग जाता है, वो होता है अपन पहना हुआ, जो अपन पहनते हैं, और ये हो जाती है वर्ब उसकी। ठीक है, देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अपन नहीं पता, और ऐसी चीज़ें अपन एग्जाम में करके आते हैं, कितना सिंपल सा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में इसकी जगह ये आ जाएगा तो अपन तो आराम से लगाएंगे हाँ कि यही सही है, क्योंकि नॉर्मली अपन यही बोलते हैं, अंदर की चीज़ अपन को नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रीथ, सांस, इसके वर्ब क्या बन जाएगी? ब्रीथ, ई लग जाएगा, ये वर्ब बन जाएगी, सांस लेना और ये सांस, तुम्हारी सांस, सांस को कैसे देखते हैं? नाउन है, नाउन को कैसे देखते हैं? तुम्हारा तुम्हारे लगा के, है ना, ये इसकी वर्ब बन जाएगी। स्वीट्स, स्वीट एंड स्वीटन, ये भी देखो कितने अलग चीज़ है। स्वीट्स होती है नाउन और स्वीट होता है एडजेक्टिव और स्वीटन हो जाता है वर्ब। अब स्वीट्स नाउन कैसे होती हैं? मिठाइयाँ, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, है ना, तो हो जाएगी तुम्हारी मिठाई, ये हो जाएगी नाउन। और एडजेक्टिव कैसे बनेगा? स्वीट मैंगो, स्वीट आइसक्रीम, है ना, तो आइसक्रीम की विशेषता बता रही है ना ये स्वीट जो वर्ड है, और जो आइसक्रीम यानी कि नाउन की, नाउन है आइसक्रीम, इसकी जो विशेषता बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव, तो स्वीट एडजेक्टिव हो जाएगा, मीठा, मीठा आम, मीठी आइसक्रीम, है ना, और इसकी वर्ब बन जाएगी स्वीटन। आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला मुझे? तुम बताओ, आप बताओ इस बार, कैसे पता चला मुझे सॉफ्ट एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? तुम गुड़ो, तुम बेड़े करके, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम सॉफ्ट हो, पता चल गया ना, एकदम सही बैठ रहा है एडजेक्टिव, मैंने अच्छे से बताया था। इसको अगर ऐसे देखें स्टिकर मेथड से, सॉफ्ट आम, सॉफ्ट पेन, सॉफ्ट आइसक्रीम, एडजेक्टिव मेथड से भी सही बैठ रहा है, जो कि मैंने एडजेक्टिव में बताया था स्टिकर मेथड से, तो इसकी वर्ब क्या बन जाएगी? सॉफ्टन। बिलीव और बिलीव, बिलीव, बिलीव हो जाएगा नाउन और बिलीव हो जाएगी वर्ब।
तुम्हारा बिलीफ नाउन बन जाएगा, बिलीव इसकी वर्ब हो जाएगी। हाइट हाई और हाइटन, हाइट तो हो जाएगी नाउन और हाइट हो जाएगा एडजेक्टिव और हाइटन हो जाएगी वर्ब। हाई यानी ऊंचा, ऊंचा पेड़, हाई ट्री है ना, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हाइट तुम्हारी हाइट, तुम्हारा लगा के देखा तो नाउन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फ्राइट यानी डर, डर यानी तुम्हारा डर नाउन हो जाएगा, इसकी वर्ब बन जाएगी फ्राइटन। सिमिलरली इमिजन, ये नाउन हो जाएगा और इमिट हो जाएगी वर्ब। प्रोसीजर, ये हो जाएगा नाउन और प्रोसीड हो जाएगी वर्ब, तुम्हारा प्रोसीजर नाउन हो गया, प्रोसीड क्या हो जाएगी, प्रोसीडिंग वर्ब होता है, इमिटिंग वर्ब होता है। ईएनजी आईएनजी लगा रहा हूँ ना मैं, या ईडी आईएनजी कुछ ना कुछ लगता है वर्ब में, ठीक है। अगर नहीं लग रहा तो भी वर्ब नहीं है, बिलीविंग ये सब में आईएनजी ईडी लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइफ, अब इसके एग्जांपल देखता हूँ। लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ रेस, ये क्या है, जिंदगी एक रेस है, दौड़ है, तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन, ठीक है। अब ये लाइव है, ही इज लाइव, ही इज लिविंग है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब आती है, और जो लाइव है वो आईएनजी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। वर्ब क्या होती है, जो आईएनजी और ईडी में कुछ ना कुछ एक्सेप्ट करता है, वो लग कर रहा है, तो ये वर्ब हो गई। आगे देखते हैं, दिस मेडिसिन विल गिव रिलीफ, विल गिव रिलीफ, ये रिलीफ क्या है, नाउन, तुम्हारा आराम देती है ना, रिलीफ, रिलीफ यानी आराम, राहत है ना, गिव रिलीफ, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, राहत दे रही है। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिस मेडिसिन विल रिलीव योर पेन, विल ये है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या रही है, रिलीव, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब है ये, यानी कि रिलीव क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, राहत प्रदान करेगी, रिलीव यानी राहत प्रदान करना, और रिलीफ यानी ओनली राहत, ठीक है। ही इज वॉशिंग क्लोथ, अभी एक सेंटेंस क्या है, सही है गलत है, बताओ आप बताओ, ही इज वॉशिंग क्लोथ, ये गलत सेंटेंस है, वो धो रहा है क्लोथ। अब जो दर्जी का जो वहाँ पे जो कपड़ा रखा होता है बंडल में, उसको थोड़ी ना धोता है, उसके पहने हुए कपड़ों को कोई इंसान धोता है, और जो पहने हुए कपड़ों को अपन क्या बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं, तो ये वाला सेंटेंस सही होगा, ना कि ये वाला तो अभी तो मटेरियल ही मटेरियल को थोड़ी ना धोएगा, वो मटेरियल से कपड़ा बन जाने के बाद उसको धोएगा, तो ये वाला क्लोथ होएगा वो, ये वाला क्लोथ थोड़ी ना होगा। यहाँ पे क्लोथ्स होता ना ईएस लगता है, तब जाके सही होता, जो यहाँ पे है ये सही हो गया। ही डिड नॉट क्लोथ क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धोता था, क्लोथ यानी ये क्या है, वर्ब है ना, ये लग रहा है क्लोथ, ये वर्ब है, तो वर्ब की तरह काम करेगा। अगला एग्जाम्पल, सी हैज लॉस्ट हर ब्रीथ, ब्रीथ क्या है, सांस, यानी ब्रीथ यानी सांस, सांस क्या है, नाउन है, तुम्हारी सांस, सही बैठ रहे हैं, तो नाउन है, लॉस्ट हर ब्रीथ, ये सही हो जाएगा। सी कांट ब्रीथ, अब ब्रीथ ई लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब। अब ये कैन क्या है, मॉडल, मॉडल को अपन किसमें ले सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब में ले सकते हैं, तो ये क्या है, मेन वर्ब हो जाएगी, यानी वर्ब है, तो ब्रीथ ये वाला सही है, वो सांस नहीं ले पा रही, सांस लेना, ब्रीथ यानी सांस लेना, सी कांट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकती, ठीक है। अब ये हाइट वाला देखते हैं, योर हाइट इज हाई, योर हाइट, हाइट क्या है यहाँ पे, ये क्या है, आप बताओ, हाइट को कैसे निकालते हैं, नाउन कैसे निकालते हैं, तुम्हारा तुम्हारी लगाएगी, तुम्हारी हाइट, तो सही बैठ रहा है, ये नाउन हो गया। मैंने अच्छे से बताया, अभी मैं थोड़ा यहाँ तेजी से बता रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को स्लो कर लीजिए, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मेरा एडजेक्टिव वाला और नाउन वाला वीडियो उसको अच्छे से देखिए, नाउन और एडजेक्टिव बहुत अच्छे से कवर कराया मैंने, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे आपको, ठीक है। हाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, कैसे पता चला, हाई, हाई यानी ऊंचा, ऊंचा क्या होता है, ऊंचा पेड़ होता है ना, ऊंचा बरगद का पेड़, हाँ, तो ऊंचा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे पता चला मुझे, अगर ऐसे मैं ऐसे एग्जांपल से नहीं देखा तो उससे देख लो, तुम गुड हो, तुम बेड हो, तुम हाई हो, है ना, ये हाई एडजेक्टिव हो जाएगा। आई बिलीव इन योर बिलीफ, बिलीव क्या हो जाएगा, वर्ब, और योर बिलीफ, बिलीव क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा वर्ब। आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ इन, मैं तुम्हारे बिलीफ, तुम्हारे विश्वास में, मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे विश्वास में, इसकी हिंदी ये होगी। विश्वास क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन कैसे, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा लगा के देखा तो ये नाउन हो जाएगा, अरे बिलीव इसकी वर्ब हो जाएगी। सन इमिट रेस, इमिट यानी उत्सर्जन, उत्सर्जित करना, बाहर निकालना, तो सन क्या है, ये क्या है, वर्ब हो जाएगी, इमिट करता है, बाहर निकालता है ना। अगला एग्जाम्पल, दिस इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है,
एक नाउन है, इसको कैसे पता चला मुझे? तुम्हारा प्रोसीजर क्या है, पूछते हैं तुम्हारा क्या प्रोसीजर है आगे का, तुम्हारा लगा के देखा तो क्या बन रही है, ये नाउन बन रही है, तो ये नाउन हो जाएगा। अब इसको अगर वर्ब में कन्वर्ट कर दे क्या होती है इसकी वर्ब प्रोसीड, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, आई वॉन्ट टू प्रोसीड विद स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना है ना, तो मैं चाहता हूँ आगे बढ़ना, यानी विद यानी साथ, प्रीपोजिशन हो जाएगा स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल स्टार्ट ग्रोइंग के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं। हमेशा जो हिंदी करो ना किसी भी सेंटेंस की, तो पीछे से क्या करो, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया करो, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, इसकी हिंदी क्या होगी साथ, स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल के साथ प्रोसीड करना यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना चाहता या वांट यानी चाहता हूँ मैं, इसकी हिंदी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अब मैंने वन वर्ड बताए थे आपको, वन वर्ड ही दूंगा, चार पांच वन वर्ड दूंगा जैसे एक हर एक वीडियो में, तो आज का वन वर्ड है एडोलसेंट, यानी क्या होता है 13 से 19 वर्ष की आयु के बीच का व्यक्ति। ठीक है, अनार्चिस्ट यानी अराजकतावादी, यानी जो गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता। ठीक है, अथिस्ट सभी जानते हैं, नास्तिक होता है, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ, दो पार्टियों के बीच में जो काम करवाता है ना, मध्यस्थ बीच का जो हेल्प करवाता है, इधर का काम उधर करवाता है, तो होता है मध्यस्थ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अगला जो वर्ब का वीडियो है पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ वो अगले एक दो दिन में आ जाएगा, उसमें आपका लगभग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन टीवी और आईटीवी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कैसे एक्टिव सब्जेक्ट बेसिस सब्जेक्ट होते हैं, वो कैसे टीवी और आईटीवी के साथ खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये सारा काम हो जाने के बाद अपन सीधा एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप एग्जाम्पल को ऐसे चुटकियों में कर दो, एग्जाम्पल्स होते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या वर्ब आनी चाहिए, वहाँ पे नाउन रखा होता है, नाउन रखी होती है वहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, सिंपल सा दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स।